गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु 2.0 पर। माय सेल्फ उज्जवल, आई विल टेक योर करंट अफेयर सेशन। तो कैसा रहा आपका हैपनिंग थर्सडे? क्या आप अपने डेली टारगेट्स पूरे कर रहे हैं? जो भी आपका एग्जाम है उसके डेली टारगेट्स आपने जो भी बनाए हैं उन्हें आप पूरे कर रहे हैं, या फिर आप कौन सी न्यू एक्टिविटीज हॉबीज अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं? ठीक है, ये सब चीजें अपने साथ साथ इंक्लूड कीजिए ताकि पढ़ाई के साथ में आपका माइंड भी डेवलप होता रहे और एक क्रिएटिव अप्रोच डेवलप होती रहे लाइफ के थ्रू। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, जो एक्टिविटीज होती है माइंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। मेडिटेशन हो गया, ठीक है, मेडिटेशन आपको करना चाहिए, नोवेल रीड करना चाहिए, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग। तो ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर करनी चाहिए ताकि एक आपकी यूनिक अप्रोच, क्रिएटिव अप्रोच डेवलप हो। उससे आपका क्या होगा कि पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा और चीज़ें ज़्यादा बेटर होती जाएगी। ठीक है, आपके एग्जाम्स रिसेंट में कंडक्ट हुए हैं, एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल का Tier 1 कंडक्ट हुआ है, एफसीआई के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं रिसेंट में। ओके, सीटी राजस्थान के पेपर की डेट आ चुकी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी थोड़े दिन में सीजीएल Tier 1 का जो आंसर की है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। रिसेंट में एक डेटा कंडक्ट हुआ है, टोटल ऑलमोस्ट अप्रोक्स 32 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, ठीक है, सीजीएल Tier 1 के लिए, और उसकी अटेंडेंस कितनी रही? सो 16 से 17 लाख के बीच में रहे। सो जैसा कि रेशियो माना गया था, ऑलमोस्ट 46.04% रहा है रेशियो आपके अटेंडेंस का एसएससी सीजीएल Tier 1 का। ऐसा एसएससी का आया है कि रिसेंट में वो वैकेंसीज भी इंक्रीज करने वाला है, ऑलमोस्ट 33,000, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास, मेंस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं अगर आपका कहीं भी स्कोर 120 के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। सो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम देखेंगे आज के सेशन के बारे में, और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका क्यूआर कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन करके रेगुलर नोटिफिकेशंस और पीडीएफ पा सकते हैं क्लासेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यूपी एग्जाम्स के लिए नाइट क्लासेस चल रही है, और जो सीटीईटी का एग्जाम है उसके नाइट क्लासेस चल रही है, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं रिजल्ट गुरु से जुड़कर नाइट क्लासेस लेकर। तो आप देख सकते हैं 11 PM, 12 PM, 1:30 AM, 4:30 AM, सो काफ़ी क्लासेस आपके लिए कंडक्ट हो रही है यहाँ पर रात को। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन दिन में नहीं कर पाते हैं, सो आप रात को जुड़ सकते हैं रिजल्ट गुरु से और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट न्यूज से देखे, बोम्बई शिंदे मीट अमित शाह इन दिल्ली। सो जो बम्बई है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, ठीक है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है, और ये शिंदे जी हैं, एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के सीएम है। ओके, ये क्यों मिल रहे हैं? ठीक है, एक डिस्प्यूट कंडक्ट हुआ था रिसेंट, पिछले सेशनों में हमने इसके बारे में बात की है कि बेलगावी, ओके, बेलगावी बेलगाम, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट बॉर्डर काउंसिल की बात किया था हमने, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल कौन सा लगता है? आर्टिकल 263, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो बेलगावी और बेलगाम जो है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ उस एरिया की आपको देखने को मिलती है। सो ऐसा कहा जाता है कि जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है वो कर्नाटका का एक एरिया है, ठीक है, कर्नाटका उसे बिलोंग करता है, कर्नाटका बोलता है कि ये एरिया हमसे बिलोंग करता है, और उसके जो इंटर स्टेट बॉर्डर काउंसिल ने इसको कर्नाटका के वे में रखा था, लेकिन वहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग ज़्यादा है। सो महाराष्ट्र ऐसा कहता है कि ये एरिया उन लोगों को बिलोंग करता है जो महाराष्ट्र स्पीक कर महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। काफ़ी इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने ये मीटिंग कंडक्ट की इन दोनों के बीच में कोई सोल्यूशन पुट आउट करने के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखिए, दोनों स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है। इससे पहले उद्धव
ठाकरे यहाँ पर गवर्नमेंट थी शिवसेना की, उसके बाद में यहाँ पे जो आपको पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला, फिर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेंसस इज अ मिरर ऑफ अ पास्ट एंड प्रेजेंट, सो सेंसस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, जब भी कोई भी एग्जाम, एसएससी सीजीएल में रिसेंट में एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है, ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट फिगर्स पूछे जाते हैं काफ़ी एग्जाम्स में, सो ध्यान रखिए कि 74.04 जो है लिटरेसी रेट है इंडिया की, इसमें से मेल की लिटरेसी रेट कितनी है, सो ध्यान रखिए कि मेल की लिटरेसी रेट है 82.14, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, और साथ ही साथ फीमेल की लिटरेसी रेट कितनी है, तो 65.46%, तो ये चीज़ें हमेशा नोट करके चलिए। सेंसस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा था, ओके, सबसे लिटरेट स्टेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरला, केरला जो था सबसे लिटरेट स्टेट था, और सबसे लीस्ट लिटरेट स्टेट था बिहार, ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप केरला की देख सकते हैं 93.91% यहाँ पर पॉपुलेशन लिटरेट थी, और बिहार की आप देख सकते हैं 63.82, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। और सबसे मोस्ट पॉपुलेस्ट स्टेट कौन सा था, तो ध्यान रखिए यूपी, ठीक है, और लीस्ट में था सिक्किम, ठीक है। इंडिया का फीमेल सेक्स रेशियो कितना था, ठीक है, फीमेल सेक्स रेशियो इंडिया का कितना था, ये चीज ध्यान रखिए, काफी नंबर ऑफ टाइम्स आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सो उस वक्त इंडिया का 940 पर 1000 था, ठीक है, 940 पर 1000 इसको डिनोट करते हैं, ओके, 940 गर्ल्स पर 1000 मेल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। और किस स्टेट का सबसे हाईएस्ट था, केरला का ही हाईएस्ट था, ठीक है, कितना था, 1084 पर 1000, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, सो इनके बारे में हमेशा सेंसस के बारे में पढ़ के जाइएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि जो किस स्टेट में सबसे कम एससी पॉपुलेशन है, जो शेड्यूल ट्राइब्स होती है उसकी सबसे कम कहाँ पर है, सो 0% पॉपुलेशन से नागालैंड में, ठीक है, 0% है, तो एक स्पेसिफिक फिगर है, सो काफी बार क्वेश्चन ये पेपर में आपके पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। पागल फौजी जी, जय हिंद जय भारत, स्वागत है आपका, राम राम। समीद अली अंसारी, स्वागत है आपका हमारे सेशन में, ये डेली हमारा ये सेशन 6 AM पे कंडक्ट होता है 2.0 पर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूज़ यहाँ पर, अर्जेंटीना वेव्स डाउन क्रोएशिया, सो आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना यहाँ पर फाइनल में रीच कर चुका है, ओके, उसने क्रोएशिया को बीट किया है। क्रोएशिया 2018 के रशिया वर्ल्ड कप की, मॉर्निंग योदा, मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। सो आप देख सकते हैं जो क्रोएशिया थी वो पिछले बार जो फीफा वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ था रशिया में, उसकी रनर अप टीम थी, ठीक है, उसको विन किसने किया था, सो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस ने विन किया था, ओके, और रिसेंट में फ्रांस भी फाइनल में पहुंच चुका है 2022 के, सो डिफेंडिंग चैंपियन है, और कतर वर्ल्ड कप के भी वो फाइनल में पहुंच चुका है, सो काफी अच्छा डेवलपमेंट है फ्रांस की फीफा वर्ल्ड कप टीम का, ठीक है, और फाइनल में कौन है उसके साथ में, अर्जेंटीना, दिसंबर 18 को इसका फाइनल खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का, और जो कतर में इस बार कंडक्ट हो रहा है अब तक का सबसे एक्सपेंसिव है, ठीक है, इतना ह्यूज अमाउंट है कि उसको है ना कन्वर्ट करने के लिए इंडियन में जो इंडिया का रुपी नंबर सिस्टम है उसको यूज करना पड़ जाएगा अरब और खरब, ठीक है, जो फिगर है उसका आप देख सकते हैं कि डॉलर डॉलर 220 बिलियन है, ठीक है, बहुत बिग अमाउंट है ये, अब तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप कंडक्ट हो रहा है कतर में, तो यहां पर आप देख सकते हैं रिसेंट में दो जर्नलिस्ट की भी डेथ हो गई थी ऑनगोइंग मैच में, तो वैसे भी फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही काफी न्यूज में था, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है उस वजह से कतर का और उसके जो लेबर्स की डेथ हुई थी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्रिएट करने में पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, तब से वो काफी न्यूज में था, सो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जो चीजें आपके न्यूज में काफी रहती है, काफी बार कवर होती है आपकी न्यूज पेपर्स में और न्यूज हेडलाइंस में कोई भी चैनल के द्वारा, सो वो आपके ऑटोमेटिकली करंट अफेयर्स के पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, सो हमेशा उन चीजों को कवर करके जाइए।
चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुज ट्रेजेडी क्लेम सेवरल लाइव्स इन ड्राई बिहार। सो आपको रिसेंट में अगर आप न्यूज़ कवर करते हैं, सो सीएम नीतीश कुमार काफ़ी गुस्सा हो गए थे उनके एक सेशन में, जो बिहार का असेंबली सेशन चल रहा था वहाँ पर, जो नकली शराब की वजह से लोगों की डेथ्स हो रही है उस रिलेटेड उनको क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में काफ़ी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है उन चीज़ों को लेके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सोट फॉर केरलास लेजेंडरी बेपोर उरु। ठीक है, ये एक बोट है यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर केरला सॉर्ट कर रहा है कि उसे जीआई टैग मिले। रिसेंट में हमने एक न्यूज़ कवर किया था निकोबारी होडी के नाम से, ठीक है, जो अंडमान एंड निकोबार की एक बोट थी, वहां पर अंडमान ने भी एक जीआई टैग की मांग की थी इसको लेकर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, निकोबारी होडी एक बोट थी। ठीक है, ऐसे जीआई टैग से रिलेटेड नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि कांदीमल हल्दी, ओके, कांदीमल हल्दी, मणिपुरी ब्लैक राइस, और एक स्टेट के बीच में एक बहुत डिस्प्यूट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ, कांदीमल हल्दी जो ओरिसा से बिलोंग करता है, ओके, और आप देख सकते हैं रसागुल्ला। ठीक है, रसागुल्ला मोस्टली आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस डिश है, लेकिन ये ओरिसा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच में यहाँ पर काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिलता है कि इसका ओरिजिन कहाँ पर बिलोंग करता है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका जीआई टैग जो है वो ओडिशा के पास में है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछ सकते हैं, आप कंफ्यूज में आ जाएंगे कि क्या वेस्ट बंगाल है या फिर कोई और स्टेट है। सो आपको ध्यान रखना है कि जीआई टैग जो रसागुल्ला का है वो ओडिशा के पास में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर की सैफ्रॉन है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, तो ये चीजें ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग से रिलेटेड आजकल पेपर में काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ से बिलोंग करता है, केरला में। ठीक है, हैज़ अप्लाइड फॉर द जीआई टैग फॉर द फेमस बेपोर उरु, एक बोट है ये, यहाँ पर आप उसका पिक्चर देख सकते हैं। सो उसके लिए जीआई टैग की मांग हुई है, एंड द उरुज आर प्योरली मेड ऑफ प्रीमियम वुड विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक्स। सो पूरी ये बोट जो है एक प्रीमियम वुड से बनाई जाती है, कोई विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक्स, जैसे कि शिप्स बनाते हैं या फिर बोट्स बनाते हैं, उसको कोई भी ऐसी टेक्निक यूज नहीं की जाती है। सो अपने आप में ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है उस स्टेट के लिए, इस वजह से वहाँ पे एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की मांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है। जीआई टैग इज एन इंडिकेशन यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स having special characteristics originating from definite geographical territory. So ऐसे टैग्स को जीआई टैग मिलता है जो उस रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उससे उनको फायदा क्या होता है, प्रमोशन में फायदा होता है, उनकी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कोई भी अगर जो गुड से उसको जीआई टैग मिलता है, सो वहाँ पर उस नेम से, उसके ओरिजिनल नेम से आप उस गुड को सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, इट इज़ प्राइमरी एन एग्रीकल्चरल नेचुरल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के लिए, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स में ये काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, इसका जीआई टैग रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा लगता है, 1999। चलिए यहाँ पर इसके बारे में कब बात हुआ था, पेरिस कन्वेंशन में। पेरिस कन्वेंशन एक COP21 के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, पेरिस क्लाइमेट चेंज जब हमने डिसाइड किया था कि अर्थ का जो टेम्परेचर है 1 और 2 डिग्री से लेसर करने की बात हुई है, सो COP21 में ये बात हुई है। रिसेंट में COP27 कंडक्ट हुआ था। ठीक है, वो कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, सो आपको ध्यान रखना है, शरम अल शेख। ठीक है, शरम अल शेख जो कि इजिप्ट में है, शरम अल शेख, वहाँ पर COP27 कंडक्ट हुआ है, सो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है उसे। वंस अ प्रोडक्ट गेट्स इस टैग, एनी पर्सन और कंपनी कैन नॉट सेल अ सिमिलर आइटम अंडर डेट नेम। ओके, जैसा कि बताया कि उस सिमिलर नेम के अंदर कोई भी कंपनी और पर्सन उसको सेल नहीं कर सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं उसको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है जीआई टैग के थ्रू, और कोई भी अनऑथराइज
यूज नहीं कर सकता है उसका। और यहाँ पर देख सकते हैं कंफर्ट टू कस्टमर अबाउट ऑथेंटिसिटी। सो जो कांदीमल हल्दी है, सो आप उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे बिलोंग करेंगे अगर वो ओडिशा के किसी मैन्युफैक्चर ने उसको डेवलप किया होगा, तो आप उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन कर सकते हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर जीआई टैग है और एक ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, उसका फिर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी और एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि वो इस रीजन से बिलोंग करती है कि नहीं, सो उसके बाद में उसे जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे कि बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, चांदेरी फैब्रिक, मैसूर का सिल्क, शॉल ऑफ कांगड़ा टी, थंजावुर पेंटिंग्स, ये सब चीज़ों को जीआई टैग्स मिला हुआ है। सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक न्यूज़ कवर हुआ है, ओनली 1/4 ऑफ द सैंक्शन सोलार प्रोजेक्ट्स हैव टेकन ऑफ। सो सोलार से रिलेटेड काफ़ी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, कि जो एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि फुल्ली और सोलार पावर्ड एयरपोर्ट कौन से हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कर्नाटका में एक एयरपोर्ट है, वो एक सोलर पावर्ड है। गुजरात में आपको काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा सोलर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट हैज सो फार सेंक्शन सोलर प्रोजेक्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ 39,000 मेगावाट, बट ऑन अ फोर्थ हैव एक्चुअली बिन कमीशन। सो कमीशन की स्पेलिंग आपके काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, कमीशन की जो स्पेलिंग होती है आपको ध्यान रखना है, आपके जो स्पेलिंग एरर आता है इंग्लिश में, नंबर ऑफ टाइम्स इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कमीशन की स्पेलिंग क्या होती है। सो आप हमेशा ऐसी स्पेलिंग्स रीड करके जाइए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, अंडर द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स ए टोटल ऑफ 57 सोलर पार्क्स ऑफ एग्रीगेट कैपेसिटी। सो 57 सोलर पार्क्स यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। सो चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोलर पावर है, रिन्यूएबल सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कौन से होते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेस वो होते हैं जिसको हम रेगुलर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, ये सब चीज़ें हमेशा कहीं ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, जो बायोफ्यूल हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो बहुत टाइम्स में फॉसिल्स के बाद में क्रिएट होते हैं वो सब चीज़ें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के पास में कितनी, ये फिगर ध्यान रखिएगा, 151.4 गीगावाट। ठीक है, ये फिगर आपको डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीजीएल, रेलवेज, इनके एग्जाम में काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन और फिगर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप हमेशा इन नोट करके चलिए, हमेशा रिवाइज करिए, सो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हिट कर जाएगी और एग्जामिनेशन में आप क्लिक कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हिट किया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, विंड पावर की कितनी कैपेसिटी है इंडिया के पास में, 40.08, सोलर पावर 50 गीगावाट। ठीक है, सबसे हाईएस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेस एनर्जी सोर्सेस का इंडिया के पास में कितना सोलर पावर है, ठीक है, 50 गीगावाट। फिर बायो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रेजेंट सोलर पावर कैपेसिटी कितनी है, 45 सोलर पावर पार्क्स ऑफ एवरेज कैपेसिटी ऑफ 37 गीगावाट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ 30 गीगावाट कैपेसिटी सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट इज अंडर इंस्टॉलेशन इन गुजरात। सो गुजरात में काफ़ी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू 30 गीगावाट एक ही पार्क में डेवलप होगा। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, सो ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कल के सेशन में हमने एक बात किया था तवांग के बारे में। ठीक है, जो इंडिया के बॉर्डर पे इंडिया और चाइना के बीच में स्कर्मिश की न्यूज़ देखने को मिली है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है कि जो एलएसी के अंदर एक एलएसी के पास में एक स्कर्मिश देखने को मिला है इंडिया और चाइना की ट्रुप्स में। सो तवांग से रिलेटेड, तवांग कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है और तवांग में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री। ओके, बुद्धिज्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रहता है मोनेस्ट्री,
और रिसेंट में अरुणाचल प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। सो आपको ध्यान रखना है, डोनी पोलो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। और गोवा में एक और इनॉग्रेशन हो रहा है एयरपोर्ट का, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। गोवा में एक और एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है, डेबोलिम, ठीक है। सो ये चीजें ध्यान रखिएगा, हमेशा हम चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे। प्रीवियस सेशन में कुछ बातें की है, सो मैं आपको आने वाले सेशन में उससे रिलेटेड कुछ चीज दिखेगी, सो हमेशा उस चीजों को कवर करूंगा। सो काफी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के मिलेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जो मेरी है आपकी शॉर्ट शॉर्ट टेस्टेड है, नंबर ऑफ टाइम्स इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो, ठीक है, करंट अफेयर्स में हो, या फिर आपके पॉलिटी में हो, ज्योग्राफी में हो। सो जो जो चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में श्योरली 100% प्रोबेबिलिटी के साथ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कौन से हैं, ठीक है, पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ऑन द सेल्स ऑफ सच सोलर पीवी मॉड्यूल्स। सो सोलर आप परचेस करते हैं, आपके घर में भी लगा सकते हैं, सो गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, अंडर द करंट स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। जो भी सोलर और बायोफ्यूल से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। आपने रिसेंट में एक जत्रोफा प्लांट सुना होगा, जत्रोफा प्लांट, ठीक है, उसको ध्यान रखिए कि ये जो बायोफ्यूल्स यूज होते हैं, अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कितने एयरप्लेन्स, स्पाइस जेट ने एक एयरप्लेन रन किया था जो बायोफ्यूल में था, ओके। सो ये बायोफ्यूल किससे बनते हैं, जत्रोफा एक प्लांट होता है उसके थ्रू बायोफ्यूल क्रिएट होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर स्कीम का ध्यान रखिए, पीएम कुसुम एंड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं द टारगेट फॉर नेशनल सोलर मिशन, इट हैड सेट अ टारगेट ऑफ 20,000 मेगावाट ऑफ अ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2022। और ठीक है, यहाँ पर इतना डेवलपमेंट करने की बात की गई है सोलर पावर की, एंड द एम्बिशियस टारगेट ऑफ 2022 20,000 मेगावाट, ओके, ये ध्यान रखना है। और टू डिप्लॉय 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम। सो आप कहीं भी विलेजेस में विजिट करते हैं, सो आप देखते हैं मोस्टली वहाँ पर आजकल सोलर पावर्स काफ़ी यूज होने लग गए हैं, जो फील्ड्स और गांव में खेतों में आप देखेंगे कि सोलर पावर के थ्रू काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करके यूज़ की जाती है। सो काफ़ी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है इस सेक्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हुज ट्रेजेडी क्लेम्स सेवरल लाइव्स इन बिहार। सो ड्राइव इन ड्राई बिहार, ड्राई बिहार, ठीक है, ड्राई स्टेट है बिहार, यहाँ पर एल्कोहल बैन है। एक और कौन सा स्टेट है जहाँ पर ड्राई स्टेट है, सो गुजरात में, ओके, गुजरात जो स्टेट है वहाँ पर भी एल्कोहल और लिकर बैन्स है। सो गुजरात के बारे में बात हो, रिसेंट में यहाँ पर नेशनल गेम्स कंडक्ट हुए थे 2022 के, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एशियटिक लेवन इसका मैस्कोट था, ओके। थीम क्या थी नेशनल गेम्स की, सो आपको ध्यान रखनी है यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है, यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और इसको टॉप किसने किया, कौन से सर्विसेस ने इसे टॉप किया, मेडल टैली में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, सर्विसेस ने टॉप किया नेशनल गेम्स 2022 को। चलिए यहाँ पर रिसेंट में डिफेंस एक्सपो भी कंडक्ट हुआ था गांधीनगर में। सो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे हम चीज़ों को लिंक करते हैं, बिहार से बात हुआ, गुजरात ड्राई स्टेट का बात हुआ, गुजरात के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स के कंडक्ट हुई है जैसे नेशनल गेम्स, फिर उसके बारे में बात किया, एक इंपॉर्टेंट वहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेच्यू है, ठीक है, सरदार पटेल के ऊपर बना हुआ है, ये जो हमारे सरदार पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके स्टेच्यू बना हुआ है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और कौन सी लेक के पास में सिचुएटेड है, सो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुली लेक के पास में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लॉस हुआ है, यहाँ पे 170 डेड दिस ईयर, ठीक है, बिहार में जो इलीगल लीकर की ट्रेडिंग होती है उस वजह से यहाँ पर आपको डेथ देखने को मिली है। सो काफी प्रोटेस्ट हेल्ड हो रहा है इसके रिगार्डिंग, आपको आगे भी न्यूज देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्स विलेजर्स हैव डाइड इन द सस्पेक्टेड हूज ट्रेजेडी इन सारण डिस्ट्रिक्ट इन ड्राई बिहार। तो कौन से आर्टिकल्स जो इससे रिलेट करते हैं, आर्टिकल 47, स्टेट शेल एंडेवर फॉर द प्रोहिबिशंस ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस। तो आर्टिकल 47 जो कि DPSP का पार्ट है, ठीक है, देश के निधि नीति निर्देशक तंत्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। और आर्टिकल 47 में ऐसा कहा गया है कि स्टेट को प्रोहिबिट करना चाहिए कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो कि लीकर और एल्कोहल्स आता है और ड्रग्स का, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको रूल्स बनाने चाहिए स्टेट्स में। यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी के बारे में बताता है कि कंजप्शन ऑफ लीकर लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ओके, सो जो अल्कोहल है उससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स आपको देखने के मिलेंगे। और ड्राई डे भी मनाया जाता है, ठीक है, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाते हैं हम, ठीक है, गांधी एंड शास्त्री जयंती, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 38 में दे रखा है फंक्शन ऑफ रिपब्लिक इज टू सिक्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन करना चाहिए किसी भी स्टेट को, ताकि वहाँ पर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो और स्टेट इजीली फंक्शन कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया शेयर्स आधार रोल आउट एक्सपीरियंस विथ G20 मेंबर्स। ओके, G20 मेंबर्स कंडक्ट हुआ है और यहाँ पर आप उसकी थीम देख सकते हैं, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ओके, ये इंडिया की 2023 की थीम है, ठीक है। इसके साथ साथ हिंदी में जो इसकी थीम हमने दी है उसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी G20 से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को आने वाले साल में काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि इस बार 2023 की जो समिट है वो इंडिया हेल्ड करने वाला है। इससे पहले किसने हेल्ड किया इसे, सो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया ने, ठीक है। रिसेंट में एक शेरपा समिट कमिट हुआ, काफ़ी न्यूज़ में कवर हुआ, वर्ल्ड में इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई शेरपा समिट कमिट हुई है G20 की। सो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पर कंडक्ट हुआ है, सो आपको ध्यान रखना है उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स से फेमस है, सिटी ऑफ लेक्स। आपके CGL के एक शिफ्ट में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है, सो आपको ध्यान रखना है उदयपुर को। एक और सिटी है जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, सो भोपाल को, ठीक है, भोपाल में भी काफी लेक से, सो आपको ध्यान रखना है। चलिए तो रिसेंट में अगर कोई टॉपिक है, ओके, आपको कोई भी टॉपिक है रिसेंट में अगर आपके न्यूज़ में चल रहा है और अगर आपको उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको सही से वो समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे लाइव चैट और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करूंगा और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करा पाऊंगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आधार के बारे में दे रखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, UIDAI। इसकी भी काफ़ी काफ़ी बार इसकी फुल फॉर्म जो है उसके बारे में पूछा गया है, सो आपको ध्यान रखना है कि आधार में कितने नंबर होते हैं, ठीक है, 12 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, ठीक है। रिसेंट में एक शिफ्ट में SSC CGL की शिफ्ट में क्वेश्चन था कि पैन पैन कार्ड जो है पैन कार्ड के नंबर कितने होते हैं, ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है 10 डिजिट का नंबर होते हैं, ठीक है, पैन कार्ड में। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI कब सेटअप हुआ था, तो इंडिया में सेटअप हुआ था 2009 में जनवरी में, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अंडर था ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं UIDAI वॉज क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एज एन आधार, और रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी दी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप अपना आधार डेटा किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है, जो आधार का नंबर है वो भी किसी के साथ शेयर ना करें। एक मास्ट आधार आता है, ठीक है, जिसमें आपका जो आधार का नंबर है उसमें स्टार्ट की डिजिट को एक्सेस एक्स किया जाता है और लास्ट नंबर आपका देखने को मिलता है, ठीक है, उससे आप पहचान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड है। और हमेशा
गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी है कि जो आपका आधार का डेटा है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे, किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के हाथ में और किसी इंस्टीट्यूशन के हाथ में ना दे जहां आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करना चाहते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अंडर द आधार एक्ट UIDAI इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आधार एनरोलमेंट ऑथेंटिकेशन। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि पैन कार्ड के साथ आपको आधार का लिंक करना है, सो ये सब चीज़ें, आधार बहुत एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नीड फॉर फिस्कल प्रूडेंस इन इम्प्लीमेंटिंग PMFS। ठीक है, सो आप देख सकते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इट्स 54th रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रेस फिस्कल प्रूडेंस। सो आपके आपके पेपर में रिसेंट में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमिक्स फिनेंस इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा रहे हैं। और अभी रिसेंट में एक G20 की फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज, ओके, तो फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग हेल्ड हुई है। सो वो कहां पर हेल्ड हुई थी? सो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में ये रिसेंट में हेल्ड हुई थी और बेंगलुरु 2023 आर्मी डे, ठीक है, जो आर्मी का डे है 15th of January वो हेल्ड करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हर बार जो है आर्मी डे हमेशा दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ है, लेकिन पीएम मोदी का जो विजन है जितने भी मेन प्रोग्राम्स है उनको दिल्ली से शिफ्ट करके किसी और सिटीज में कर लिया जाए ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स और काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ दिल्ली से शिफ्ट होकर किसी और सिटी पे फोकस हो। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि आर्मी डे 15 जनवरी का इस बार कहाँ पर सेलिब्रेट होगा? सो बेंगलुरु में। इसी तरह इसी विजन के साथ में एयरफोर्स का भी जो डे था उसको चेंज करके चंडीगढ़ में किया गया था। ठीक है, चंडीगढ़ में सेलिब्रेट हुआ था जो कि हर बार दिल्ली में होता है। सो कब सेलिब्रेट करते हैं हम एयरफोर्स डे? आपको ध्यान रखना है 8 अक्टूबर 1932 को क्रिएट हुआ था। ठीक है, नेवी डे हमने रिसेंट में सेलिब्रेट किया है, वो कब सेलिब्रेट होता है? 4th of December। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं PSC से रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला है। जो PSC के मेंबर्स होते हैं, ओके, वो कितने मेंबर्स होते हैं आपके पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ये पेपर में पूछा जा चुका है आपके। सो आपको ध्यान रखना है इट प्रेजेंटली कंप्राइजेस ऑफ 22 मेंबर्स। यहाँ पर 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। सो आपको ध्यान रखना है जो बाइफर्केशन दे रखा है 22 मेंबर्स होते हैं, ओके, 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1921 में, ठीक है, जो बिफोर इंडिपेंडेंस हुई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म 1919 के थ्रू, ठीक है। इसके चेयरमैन अपॉइंट होते हैं। सो अपॉइंट कौन करता है उसको? वो अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओके, लोकसभा इसको अपॉइंट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड इट वॉज फ्रेम्ड विथ द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग वेदर मनी ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज बीन सेंड बाय द स्कोप ऑफ डिमांड और नॉट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका जो चेयरमैन होता है, ठीक है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी शामिल किया जाता है इस पैनल में। ठीक है, और वो वर्क क्या करती है? जो देखती है कि गवर्नमेंट ने जो फंड्स अप्रोप्रिएट किए हैं आपके बजट के लिए वो सही तरह से यूटिलाइज हो रहे कि नहीं। सो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है असम हाईकोर्ट के रिलेटेड। आपने नंबर ऑफ टाइम्स जब NRC और CA बिल आया था, सो इसके रिगार्डिंग आपने असम हाईकोर्ट के बारे में काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा। सो असम हाईकोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ टाइम्स आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में इससे पूछे गए हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर इसकी न्यूज़ कवर हुई है। सो असम हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लिस्ट सिटीजनशिप केस फॉर द January 10। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह जी, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन ट्यूजडे लिस्टेड फॉर द January 10
2023 a series of long petitions challenging sections of 6A of Citizenship Act 1955. So Citizenship Act और जो असम एकॉर्ड है, NRC CA, सो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था जब NRC CA लागू होने की बात हुई थी देश में. काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला होगा इसके रिगार्डिंग. तो आने वाले जो टाइम है उसमें CA NRC जो होम मिनिस्ट्री के थ्रू कहा गया है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सो आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो देख सकते हैं कि यहाँ पर आसाम के बारे में बात हुआ है. ओके, सो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं. चलिए, आसाम होम मिनिस्ट्री के अंडर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आता है, सो आपको ध्यान रखना है BSF and IB. ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड BSF जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है, ये ध्यान रखिए. दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है. ओके, और होम मिनिस्ट्री को हेड कौन कर रहा है, सो अमित शाह जी. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. चलिए इसके बारे में देखते हैं कि असम एकॉर्ड क्या है. एंड इट वाज अ ट्री पार्टेड एकॉर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड द लीडर्स ऑफ आसाम मूवमेंट्स इन 1985. ठीक है, ये एक ट्री पार्टेड एकॉर्ड था, तीन जनों के बीच में था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ये साइन किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ आसाम और इसके जो लीडर्स थे आसाम मूवमेंट जो 1985 में स्टार्ट हुआ था उसके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था. उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि 6 ईयर का एजिटेशन एंड किया था यहाँ पर ऑल आसाम स्टूडेंट्स AASU. काफ़ी न्यूज़ में रहता है ASU, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन डिमांडिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स. सो इलीगल इमिग्रेंट्स आसाम में काफ़ी आपको देखने को मिलते थे, जो आसाम बांग्लादेश से आते थे, मणिपुर से आते थे, ओके, और म्यांमार से काफ़ी एंटर होते थे. सो वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिलता था आसाम में. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 6 ऑफ एकॉर्ड क्या कहता है कि इट सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स फॉर द असामीज पीपल एंड द कमिटी. इसको किसने चेयर किया था, सो आपको देखना है बिप्लव कुमार शर्मा ने. ठीक है, टू डिफाइन असामीज पीपल. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी कमेटी उसको हेड कर रही है, आसाम एकॉर्ड क्या होता है, कब साइन हुआ था, कौन कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. इश्यूज क्या था उसका, कि NRC से रिलेटेड इशू था यहाँ पे कि वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर सेफगार्ड. काफ़ी मिसलीड किया गया था यहाँ पर NRC से रिलेटेड, और जबकि आसाम एकॉर्ड और जो 6 शेड्यूल की स्टेट्स थे उन सबको CA NRC से एक्सक्लूड किया गया था. ठीक है, फिर भी उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला था, जो मिसगाइड किया गया था इन्फॉर्मेशन के बाद में, और काफ़ी गवर्नमेंट ने इसके बाद में क्लेरिफिकेशन भी दिया था इससे रिलेटेड. ठीक है, NRC की जो कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पर देख रखी है 1971. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपने ये ट्रेन देखी होगी, ठीक है, एक इसे ट्रेम कहा जाता है. ठीक है, जो कोलकाता में आपने एक आइकॉनिक ट्रेन है उसके 150 इयर्स कंडक्ट हो रहे हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर किसी के भी 100 इयर्स, 75 इयर्स, 50 इयर्स अगर किसी भी इवेंट के कंडक्ट होते हैं, सो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए. द ट्रेम यात्रा, ए ट्रैवलिंग कार्निवल, सीक्स टू एजुकेट द यंगर जनरेशन अबाउट द क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इट विल ऑल्सो कॉल अपॉन द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द हिस्टोरिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो आपने काफ़ी जो फिल्म्स है उसमें देखा होगा कि ये जो वेस्ट बंगाल की ये जो ट्रैम है वो आपने काफ़ी फिल्म्स में देखा होगा कि ट्रैवल पर्पज से यूज़ होती है. अभी भी ये काफ़ी यूज़ होती है, जो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोड पर ये कंडक्ट होती है. ठीक है, एंड कम फेब्रवरी कोलकाता विल विटनेस एन इवेंट डेट विल सेलिब्रेट 150 ईयर्स ऑफ इट्स आइकॉनिक ट्रेम एंड रिन्यू होप दैट दिस नॉन पोल्यूटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट बिकम एंटायरली एक्सटिंक्ट. सो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है काफ़ी नॉन पोल्यूटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और बहुत फेमस है. ठीक है, तो ब्रिटिश पीरियड से ही ये कंडक्ट होता जा रहा है इसके, और बहुत इम्पोर्टेंट एक हेरिटेज है ये कोलकाता और वेस्ट बंगाल के लिए. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टुडे द नंबर ऑफ रूट्स डेट रिमेन ऑपरेशनल हैज श्रंक जस्ट टू, ओनली 2 रूट्स पे ये ऑपरेट होती है, एंड
इम्प्रेसिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द ट्रैम। सो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आपको एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये है कि यहाँ पे इससे पहले जो इसके गवर्नर थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जगदीप धनकर जी, जगदीप धनकर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इससे पहले इसके गवर्नर थे जगदीप धनकर, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ इलेक्ट हुए थे ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। और इसका आर्टिकल कौन सा होता है वाइस प्रेसिडेंट का? आर्टिकल 63, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इन्होंने रिसेंट में कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ था वहाँ पर भी एक इवेंट कंडक्ट किया था, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने एज अ इन्वाइटी अटेंड किया था इंडिया की तरफ से। तो इनकी पोस्ट वैकेंट थी। और उसके बाद में रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर सीवी अनंदा बोस का। सीवी अनंदा बोस जी है जो रिसेंट में वेस्ट बंगाल के गवर्नर अपॉइंट हुए। सो अगर कोई न्यू अपॉइंटमेंट्स होती है, चेंजेस होते हैं, सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेबी के जो चेयरमैन है, ओके, मधाबी पूरी बैक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो बीएसएफ के चेयरमैन है पंकज कुमार सिंह, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इंडियन आर्मी के जो चीफ है जनरल मनोज पांडे, इंडियन नेवी के चीफ है आर हरि कुमार जी, इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो आपको ध्यान रखना है विवेक राम चौधरी, रिसेंट में अपॉइंटमेंट था सीडीएस चेंज हुए थे, ठीक है, जनरल अनिल चौहान जी, इससे पहले सीडीएस कौन थे? फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया जनरल बिपिन रावत जी, रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? डीवाई चंद्रचूड़ जी, ठीक है, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है? 58 सीजीआई है, इससे पहले कौन थे? 49 सीजीआई। सो आपको ध्यान रखना है कि यूयू ललित जी, ठीक है, ये सब चीज़ें हमेशा ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद रहेगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर कोविड, तो कोविड-19 पैंडेमिक थी, उसके बाद में आपको काफ़ी वैक्सीन्स का डेवलपमेंट देखने को मिला है, ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाके चुके हैं एग्जाम्स में कि एमआरएनए वैक्सीन्स कौन सी होती है, ठीक है, डीएनए वैक्सीन्स कौन सी होती है। सो आपको हमेशा कवर करके जाना है, या फिर जो वैक्सीन डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है, वो किस कंट्री ने की थी, या फिर उस कौन सी कंपनी ने उस वैक्सीन को डेवलप किया था, सो ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। द मॉडर्ना एंड मेरिक ड्रग मेकर्स ऑन ट्यूजडे अनाउंस डेट पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रायल विच मैसेंजर्स आरएनए टेक्नोलॉजी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू मेक पर्सनलाइज वैक्सीन्स फॉर द स्किन कैंसर। सो जो कैंसर डिसीज है उसका अभी तक कोई भी ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन नहीं आई है जो कैंसर को प्रिवेंट कर सके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो इससे रिलेटेड बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? सो आपको ध्यान रखना है अनीमिया, ठीक है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि स्कर्वी, ठीक है। विटामिन डी, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? क्वाशियोर्कर, ओके, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए ब्लड क्लोटिंग जो होती है वो विटामिन के की वजह से रुकती है, ठीक है। जो हमारे अगर कहीं पर आपको इंजरी हो जाती है या चोट लग जाती है, आप देखते हैं कि एक रेड ब्लड सेल्स की परत सी क्रिएट हो जाती है आफ्टर इंजरी, सो विटामिन के की वजह से होता है। जितना विटामिन के आपका स्ट्रांग होगा उतना आपका इंजरी जो घाव है वो जल्दी भरेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एमआरएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है वैक्सीन की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एमआरएनए वैक्सीन यूजेस एमआरएनए टू टीच अवर सेल्स हाउ टू मेक प्रोटीन, और प्रोटीन डेट ट्रिगर्स एन इम्यून रेस्पॉन्स इनसाइड अवर बॉडीज। तो आपने देखा होगा कि वैक्सीन जो क्रिएट हुई थी कोविड की, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, जिसमें जो गुट वायरसेस थे उनको इंस्टॉल किया गया था इन वैक्सीन्स के थ्रू, जिससे एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई थी उस डिसीज के रिगार्डिंग, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसकी एफिकेसी कितनी है? सो द रॉबस्ट इम्यून रेस्पॉन्स हैज बिन ऑब्जर्व अगेंस्ट द कोविड-19 स्पाइक प्रोटेक्शन इन माइस अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो ये आप देख सकते हैं जो पहले टेस्टिंग होती है वो काफ़ी माइस के ऊपर देखी
देखने को मिलती है, ठीक है, ये देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन्स डेवलप हुई थी, तो जाय कोविड डेवलप हुई थी, डिजाइन एंड डेवलप बाय जाइडिस विद द सपोर्ट फ्रॉम द DBI। कोवैक्सीन जो डेवलप हुआ था इंडिया का, डेवलप बाय द भारत बायोटेक इन द कोलाबोरेशन विद द ICMR, ठीक है। कोविशील्ड बहुत फेमस वैक्सीन थी, पूरे वर्ल्ड में इसका काफ़ी डोसेस आपको देखने को मिले थे। नेम गिवन टू ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट विच इज़ टेक्निकली रेफर टू AZ-C-1222। ओके, ये ध्यान रखिए, स्पूतनिक जो रशिया की वैक्सीन थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रशिया में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ था, ठीक है। अभी रिसेंट में सरमाट मिसाइल जो टेस्ट हुआ था वो रशिया की थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी रिसेंट में ऑनगोइंग वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है, जो एरियाज होते हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जैसे एक रिसेंट में एक पेपर में पूछा गया था कि डोनास्क एंड रूहानस्क, ठीक है, ये कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, सो आपको ध्यान रखना है यूक्रेन से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहे थे, वॉर जोन्स था यहाँ पर, सो इससे रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो mRNA वैक्सीन्स क्या वर्क करती है, ये ट्रिक्स द बॉडी इनटू प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द वायरल प्रोटीन्स इटसेल्फ। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान रखनी है, और जो वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो हमेशा उन चीज़ों को कवर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, समझ आ रहा है चीज़ें, ओके। सो आज के सेशन में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, हमेशा आप उन चीज़ों का नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे सो बहुत बेटर रहेगा आपके एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने में, ठीक है। एग्ज़ाम जब भी होगा आपका, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स है, उसमें आप हमेशा आप ट्राई कीजिए कि जितने भी आपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए उनको रिवाइज करके जाइए, ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेस और मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। आप कितना भी मैटर पढ़ लीजिए, कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ टाइम, जब तक आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो आपके माइंड्स में फिट नहीं होगी, ठीक है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें, आप अगर उस एक्टिविटी को डेली कंडक्ट करते हैं तब वो आपके कहीं ना कहीं क्लिक करती है, ठीक है। सो हमेशा ट्राई कीजिए, जितना भी आप पढ़ रहे हैं एक मिनिमम रिसोर्स बना के कीजिए, ठीक है। एक बुक रेफर कीजिए, कोई भी एक अच्छी बुक होती है उस सब्जेक्ट की आप रेफर कीजिए, और नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। 3 to 4 times आप हमेशा उसको रिवाइज करेंगे, सो आप पाएंगे कि कभी भी उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक में आप लेट नहीं करेंगे, जितनी टाइम उसको रिवाइज करेंगे सो वो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेगी, ओके। आज के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है, सो हमेशा इसका नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ओके। इस सेशन को आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि आप वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए, ठीक है। रिजल्ट गुरु को आप सब्सक्राइब कीजिए, 2.0 पर आपकी नाइट क्लासेस भी कंडक्ट हो रही है, सो आप अटेंड कर सकते हैं इसे, ठीक है। और ये हमारा QR कोड है, इसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप रेगुलर PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। डेली हमारा ये जो सेशन है 6 AM पे कंडक्ट होता है, और कल फिर दोबारा हम मिलेंगे इसी टाइमिंग पर 6 AM पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।